नमस्ते फ्रेंड, खानदेश गोट फार्म ये अपने यूट्यूब चैनल पे सभी किसान भाइयों का स्वागत है। आज हम जिसे लहसुन घास बोलते हैं, लुसेन बोलते हैं या मेथी घास बोलते हैं, उसके बुआई के बारे में जानेंगे कि किस तरह से उसकी बुआई होती है। जनरली क्या करते हैं फ्रेंड्स कि जो भी कुछ अपनी ज़मीन है उसको अच्छे से तैयार करते हैं, उसको पूरी उसमें मशागत करने के बाद में उसमें जिसको खेच के सरी बना लेते हैं जो अपने को दिख रही है, दो सरी के बीच में अंतर जो रहेगा ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 फीट और लंबाई जितनी आप रख सके उतनी। सिर्फ इसमें एक बात जरूरी है कि आपकी जो भी ज़मीन है वो प्लेन होने को ना, वो अगर टेढ़ी मेढ़ी रही तो पानी अच्छे से उसके अंदर नहीं समा सकता। कुछ जगह पानी ज़्यादा रहेगा, कुछ जगह कम रहेगा। तो अगर ज़मीन प्लेन है तो आप लंबाई ज़्यादा रख सकते हैं, चौड़ाई भी ज़्यादा रख सकते हैं। पर आपको अगर लगता है कि लंबाई और चौड़ाई ज़्यादा रखने से पानी एक पर्टिकुलर जगह ही जाएगा, जहाँ पे ज़मीन ज़्यादा ही समझो निचली है वहाँ पे, तो ऐसी जगह पे आप जो भी सरी बनाओगे आप उसको छोटा ही रखोगे, यानी कि पानी अच्छे से बैठे और सब जगह पानी रहने के कारण आपको अच्छे से मतलब जो भी चारे की उपज होगी मेथी घास से लुसेन से वो मिलेगी। पहले तो अपन अच्छे से समझो ये सरी बना लेंगे। खेत तैयार होने के बाद में देखो अपन ने यहाँ पे वैसे किया हुआ है, सरी बना रखी हुई है पूरी, ये दोनों सरियों के बीच में ये मिट्टी खींच के उसमें पानी रुकने के लिए बना हुआ है। ये जो है मेथी घास के बीज हैं, इन बीजों को हम लोग यहाँ पे हल्के से डाल के जो भी अपने सरी वाफा बनाया उसके अंदर फैला देते हैं। ज़्यादा उनकी भीड़ होएगी उस हिसाब से नहीं, पतला पतला सब जगह छिड़क देंगे। जैसे हम लोग जनरली किसान भाई खाने की जो आती है कड़वी मेथी की सब्जी, उसकी जैसे बीच छिड़कते हैं उसी हिसाब से इनको भी छिड़कते हैं और सब जगह वाफे में छिड़कते हैं। उसके बाद हम लोग उसके अंदर पानी देंगे। जब भी आप पानी देना चाहो तो बहुत हल्के से और स्लोली पानी देना है, क्योंकि जो भी इसके बीज रहेंगे अपने लुसेन के, वो बीज तेज़ी से अगर पानी दो तो उसके अंदर बह जाते हैं, इसलिए बीज को बहुत हल्के से और स्लोली पानी देना है फर्स्ट टाइम जब भी रहेंगे। जैसे आप पानी दे दोगे फर्स्ट टाइम, आप तीसरे दिन आपके जो बीज है वो बाहर मतलब पौधा बन के आ जाएंगे, बीज आपके अच्छे से तैयार हो, पौधे में तब्लीश हो जाएगी। ये देखिए अभी हमने ये 5 दिन का जो लुसेन का पौधा है, ऐसे छोटे छोटे पौधे यहाँ पर रेडी हो जाते हैं 5वें दिन। उसके बाद में आप इनको हर 8वें से 10वें दिन पानी देते रहना है। अभी ये जो देख रहे किसान भाई आप, ये 10 दिन 12 दिन के पौधे हैं। जनरली जो भी पहली बार कटाई पे आएगा लुसेन वो रहेगा 50 से 60 दिन, जब उसकी उम्र हो जाएगी और उसमें जब फ्लावर ब्लूमिंग में आ जाएगा, उसको जब फूल लगते हैं हल्के से नीले रंग के, डार्क नीले रंग के फूल आते हैं उनमें, वो तरफ वैसे जब फूल बन जाएंगे इसके अंदर तो हम लोग इसको काट सकते हैं। जब भी फूल आएंगे लुसेन के अंदर मेथी के अंदर, तब आपको समझ में आ जाएगा कि ये जो पर्टिकुलर स्टेज है ये लुसेन कटवाने की है और इस स्टेज में हाईएस्ट मात्रा में इसके अंदर प्रोटीन है, तो ये सबसे प्रॉपर और बेहतरीन स्टेज है जहाँ पर आप लुसेन की कटाई कर सकते हैं। फर्स्ट कटाई पकड़ लो 50 से 60 दिन, ये 50 से 60 दिन ये टोटली डिपेंड है कि आपकी जो मिट्टी है जहाँ पर आप बुआई कर रहे हैं ये मिट्टी किस तरह की है। अगर मिट्टी अच्छी रहेगी, जिसकी गुणवत्ता अच्छी है, काली है मिट्टी, तो 50 दिन में आपका लुसेन रेडी हो जाएगा। और थोड़ी धीमी है मिट्टी, उसका अच्छा स्तर नहीं, निचले स्तर की मिट्टी है, पत्थर ज़्यादा है उसके अंदर, तो वो आप 55-60-65 दिन लगते हैं। पर ऑन एन एवरेज पकड़ लो आप 50 से 60 दिन में पहली कटाई आ जाती है और उसके बाद में 18 से 22 दिन में हर कटाई मिलेगी दोस्तों आपको लुसेन की। अच्छी अगर ज़मीन रही, वही है फार्मूला वहाँ पर भी लागू होता है ज़मीन का, अच्छी ज़मीन है तो आपकी कटाई मिल जाएगी आपको 18 दिन, थोड़ी हल्की ज़मीन है तो 20 दिन।
लुसेन में सबसे जरूरी बात है, ये बहुत तेजी से बढ़ने वाला पौधा है। फर्स्ट टाइम पकड़ लो आप 50 दिन में या 55 दिन में आपने जो पहली कटाई की थी उतनी उसकी जितनी हाइट थी, जितना वजन था, अगले हर कटाई के टाइम पे 20 दिनों के अंदर ऑन एन एवरेज उतना वजन उतना हाइट लुसेन पकड़ लेता है अपनी। तो देखो इतनी तेजी से जो घास बढ़ रही है, बन रही है अपनी, तो इस घास को उसी हिसाब से आपको खाद भी बना देना पड़ेगा। जब भी आप हर बार कटाई करोगे तो हर बार आप एक बार यूरिया जो है अपना केमिकल खाद नाइट्रोजन वो देंगे थोड़ा उसको, और नेक्स्ट टाइम जो भी अपनी गोबर की खादे या मेकड़ी की खादे, जिसको मराठी में लेंडी खत बोलते हैं बकरियों की, या हिंदी मेकड़ी बोलते हैं वो गोबर या मेकड़ी की खाद एक टाइप, और नेक्स्ट कटाई में यूरिया, ये ऐसा अगर रेगुलर रखोगे आप तो आपको बहुत तेजी के साथ और अच्छी मात्रा में यहाँ पर चारे का प्रोडक्शन मिलेगा। देखिए इसमें जो भी खरपतवार की बात आती है तो इसमें तकलीफ हो बाकी जो भी कुछ जो छोटे बड़े पौधे हैं इनके होती नहीं है, क्योंकि हर 20वें दिन अगर कोई चीज़ कट जाती है तो लुसन को तो बढ़ना है उसका जेनेटिक्स से, और बाकी जो भी चीज़ें रहेंगी वो बढ़ती नहीं है, वो मर जाती है। सिर्फ एक अमरवेल करके जो भी खरपतवार आती है वो थोड़ी तकलीफ देती है, उसको आपको कोई आदमी लगा के उसको निकालना ही पड़ेगा, बाकी इसमें कोई दिक्कत नहीं। और सबसे बढ़िया चारा है, अभी अपन इसका अगर प्रोटीन्स और जो पोषण घटक है उसके बारे में देखें तो टोटल जो भी इसमें परसेंटेज वाइज देखो तो 18-20% प्रोटीन है। इतना प्रोटीन परसेंटेज कोई भी बाकी जो भी चारे की जो भी फसलें हैं उनमें से किसी के भी अंदर नहीं है इतनी बेहतरीन मात्रा में। इसलिए किसान भाइयों ये ज़्यादा जरूरी है कि आप अच्छे, मतलब अगर आप इनकम चाहते हैं अपने जानवरों से तो उनको एक अच्छा और बेहतरीन मात्रा का खाना जिसकी गुणवत्ता बहुत अच्छी है वो देना जरूरी है। और उसमें ये जो आता है लिग्यूम्स में सबसे बढ़िया है लुसेन। लुसेन की दो वैरायटीज आती है, एक एक साल के लिए आता है जो एक साल तक आपको चारा देगा, और एक 3 साल के लिए आता है। दोनों भी वैरायटी बहुत अच्छी है, ऐसा कोई नहीं कि आपको 1 साल वाली नहीं लगा के 3 साल वाली लगाना चाहिए, आप कोई भी लगा सकते हैं। दोनों फसलें बहुत ही बढ़िया आपको चारे की उपज देती है। तो किसान भाइयों अगर किसी भी तरह का आपको लुसेन के बारे में और भी जानकारी होना है तो आप मुझे कमेंट में पूछे और इसी तरह से सपोर्ट करते रहिए। धन्यवाद।